किसी भी तरह की धूल मिट्टी को हटाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना रीजन से जो है हमारे फेस के ऊपर जो पोर्स होती हैं, जो छेद होते हैं, आप देखोगे आपके पूरी बॉडी के ऊपर होते हैं लेकिन हम फेस की बात करते हैं, जो छेद होते हैं उनको हम बोलते हैं पोर्स, तो वो पोर्स कहीं ना कहीं साफ होने से रह जाती हैं, अच्छे से साफ नहीं हो पाते, तो वहां पे जो हम यूज करते हैं स्क्रब का यूज करने के लिए हम जो है रेकमेंड करते हैं। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं एलोवेरा, रोज, हल्दी, तुलसी, नीम और खुरमानी। खुरमानी क्या है, खुरमानी क्या करता है, आपके स्क्रब को जो दानेदार टेक्सचर होता है वो प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ आपके चेहरे को अच्छे से साफ करने में और दाग धब्बे मिटाने में आपकी पूरी तरीके से मदद करता है। जो स्क्रब होता है अगर हमारी पोर्स को साफ अच्छे तरीके से कर रहा है तो हमें जो समस्याएं होती है जैसे व्हाइट हेड्स की, ब्लैक हेड्स की, और उसके बाद वो बढ़ के जैसे पिंपल हो गए, एक्ने हो गया, पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, तो वो सभी समस्याएं नहीं आती अगर हमारे पोर्स अच्छे तरीके से साफ हो। तो जो स्क्रब होता है उनको साफ करने में मदद करता है, आपके दाग धब्बे हटाने में मदद करता है, और साथ ही साथ आपके चेहरे के ऊपर एक ग्लो लाने में भी हेल्प करता है। इसको जो हमने यूज करना है हफ्ते में आप दो बार या फिर एज पर रिक्वायरमेंट यूज कर सकते हैं। फेस को थोड़ा सा जो है गीला कर लीजिए पानी के साथ, प्रोडक्ट लीजिए और अपने फेस के ऊपर जो आपकी हाथों की टिप्स होती हैं उनके साथ आप हल्के हल्के हाथ से जो अपने फेस के ऊपर सर्कुलर मोशन में अप्लाई करते जाइए, मसाज करते जाइए, और उसके बाद पानी से, साफ पानी से आप उसको वॉश कर लीजिए।